अरे बहू जी, ससुर जी, बीर कहाँ है? वो अंदर लेटे हैं। क्या कहा, अंदर लेटा हुआ है? चलो कोई बात नहीं, बीर से बोलना कि पापा कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे अपने घर जरूर जाना है। पिछली बार जब मैं जा रही थी तो वीर जी ने बहुत झगड़ा किया था, इस बार मैं वीर जी से पूछ ही लेती हूँ। वीर जी उठो, उठो वीर जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उठिए। क्या है, क्यों जगाया तुमने मुझे, बोलो क्या बात है? वो वीर जी, कल रक्षाबंधन है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ भाई की राखी बांधने के लिए। क्या कहा तूने, घर जाना चाहती हूँ? तेरा भी पेट नहीं भरा है? तेरे घर वालों ने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। देख, मैं तुझसे पहले भी मना कर चुका हूँ और आज भी मना कर रहा हूँ, तू कहीं भी राखी बांधने नहीं जाएगी, समझी ना? वीर जी, झगड़ा किया था आपने मेरे घर वालों से, सजा आप मुझे दे रहे हो। हाँ, उसकी सजा तुझे ही मिलेगी। तेरे घर वाला कोई भी गलती करे, सजा तो मैं तुझे ही देकर रहूंगा। तू अच्छे तरीके से जानती है तेरे घर वालों ने दहेज में एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है, तो फिर बोल मैं क्या करूं? अरे मुझे आज भी याद है वो दिन जब तेरे भाई ने सरेआम मुझ पर हाथ छोड़ा था, तेरी माँ खड़ी खड़ी देखती रही और तूने भी कुछ भी नहीं कहा, वो दिन भूल नहीं जाऊंगा मैं। वीर जी, मैं आपकी हर बात बर्दाश्त करती हुई आई हूँ, लेकिन अब नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, वो मेरा भाई है और मेरी माँ है। अच्छा, तो तू अपने घर जाएगी, अपनी मनमानी करेगी? तेरे भाई ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी, उसका तुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा, इसका मतलब आज तेरा भूत उतारना ही पड़ेगा। घर जाएगी। मत मारो वीर जी मुझे, इसमें मेरी क्या गलती है, प्लीज मुझे घर जाने दो। तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि शादी कर ली, घर जाएगी। मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते। मुझे लगता है पापा मम्मी को पीट रहे हैं, चल कर देखता हूँ। अरे पापा, तुम मम्मी को बहुत मार रहे हैं यार, तुम मम्मी को जान से मार डालेंगे, मैं ही कुछ करता हूँ। मत मार मुझे। बेटा तू आ गया, चल यहाँ से। मम्मी। अच्छा हुआ बेटा आज तू टाइम पर आ गया, वरना तेरा बाप आज मुझे मार ही देता। हे भगवान, इस घर में शादी करके मेरे तो कर्म ही फूट गए, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी इसे लेकर। अरे बीर, बेटा बीर। अरे बहू, तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे चेहरे पर खून क्यों निकल रहा है, क्या हुआ बताओ मुझे। ससुर जी, वीर जी, बाबा मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। क्या, तुमने मेरे बेटे को जान से मार दिया? अब तो तुम पक्का जेल जाओगे। ससुर जी, हमारी कोई गलती नहीं है, वीर जी ही मुझे पीट रहे थे, इतने में हमारा बेटा आ गया, उसने देखा कि वीर जी मुझे मार रहे हैं तो उसने सर में पत्थर लाके मार दिया। और वो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरा बेटा इसने मार दिया, मैं तो कब से उसे मारने की ताक में था, अब तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, अब इससे मैं जो कहूँगा ये वैसा ही करेगी। अरे बहू, तू चिंता मत कर, तेरा ख्याल मैं रखूँगा, ये ले घी और अंदर ले जाकर रख दे। हाँ, मुझे इसी दिन का इंतजार था, आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। अगर टिंकू ने अपनी माँ के पास मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक काम करता हूँ, टिंकू को नशे की दवाई दे देता हूँ, फिर मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये ले टिंकू बेटा, अपनी दवाई खा ले।
बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दवाई ला कर दे दी। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। ये ले बेटा अपनी दवाई खा ले। अब लेट जा बेटा तू। ससुर जी आप और मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? देखो बहू बिल्कुल चुप, आवाज मत करो। मैं चुप क्यों रहूं? मैं आवाज क्यों नहीं करूं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? और क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? देख चुपचाप मेरी बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है। अगर तूने चिल्लाने की कोशिश की तो तुझे तो पता है अपने बेटे का इल्जाम तेरे सर रख दूंगा और तुम दोनों माँ बेटे को घर से बाहर निकाल दूंगा। ससुर जी मैंने हमेशा आपको अपने पिता के समान माना है और आपने मेरे संग ये सब करने की कोशिश की। देख मैं कोई तेरा पापा पापा नहीं हूँ, कान खोलकर सुन ले, जो मैं कर रहा हूँ वो चुपचाप करने दे, अभी तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। मैं तुम्हें ये गंदी हरकत नहीं करने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अरेस्ट क्यों ना होना पड़े। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बचाओ बेटा बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। तुझे तो मैं देख लूंगा राक्षस, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कोर्ट तक घसीट तू लेके जाऊंगी। एक काम करती हूँ, पुलिस को फोन करती हूँ, इसको अंदर करवाती हूँ। हेलो पुलिस, मेरे ससुर ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, प्लीज आप आकर उन्हें अरेस्ट कीजिए। मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ, वरना वो दरिंदा मुझे मार देगा। मेरा बेटा कहाँ है? बेटा बेटा उठो, बेटा उठो, क्या हो गया मेरे बेटे को, ये उठ क्यों नहीं रहा? उठो उठो बेटा उठो उठ। मेरा सर घूम रहा है, पता नहीं। बेटा तेरा सर क्यों घूम रहा है मुझे बताना, तुझे किसी ने कुछ खिलाया है क्या, बता। हाँ माँ, मुझे बाबा ने जो दवाई खिलाई थी और तभी से मुझे चक्कर आने लगे। बेटा जो मैं सोचती थी वो आज सब सच हुआ, उस बुड्ढे ने ही तुझे नशे की दवाई दी होगी ताकि वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा सके, वो मेरी इज्जत के संग खिलवाड़ कर सके, लेकिन मैं उसके इस इरादे को मिट्टी में मिला दूंगी। सर आ गए आप? हाँ बोलो, तुम्हें नहीं कॉल किया था मेरे पास, बताओ क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब मेरे ससुर जी ने मेरे संग जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ। चिंता मत करो, कहाँ तुम्हारा ससुर, बुलाओ उसे। सर वो अपने कमरे में है, बेटा जाओ सर के साथ। चलो हाँ, क्या हुआ, मुझसे डर लग गया तुझे? डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तूने अपनी बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इसलिए तुझे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो झूठ बोल रही होगी, भला मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो उसका पिता के समान हूँ। चल ठीक है, तो ज्यादा मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, तेरा न्याय अब जेल में होगा। चल चल मेरे साथ।